एकटा महान पर्व हमर सम्मुखन आसे क्योंकि यहाँ पर बैनर सनातन धर्म प्रचार लगा है, इसलिए हम सभी सनातन धर्मियों को ये दोनों पर्व सेलिब्रेट करने चाहिए। यहाँ सनातन धर्म प्रसार चलि गति के सको सनातन धर्मी लोकसक ये दुटा पर्व पालन कर लगे। एक वो पर्व है, ऐसा एने का पर्व जो जीतु अयोध्या में मनाया जा रहा है, अयोध्या पालन कर अयोध्या में अयोध्या 22 जनवरी को 22 जनवरी भगवान श्री राम जी का मंदिर उद्बोधन होगा। 22 जनवरी भगवान श्री रामचंद्र मंदिर उद्बोधन होगा। ये बहुत बड़ा पर्व है, ये तो बहुत डांगर पर्व है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे सकलों ने तो गर्व विषय लगभग 500 साल से ये प्रयास चल रहा है कि भगवान श्री राम अपने मंदिर में वापस जाए। प्राय 500 वर्ष आगर प्राय प्रयास चली आसे कि भगवान श्री रामचंद्र निजर मंदिर ले जाए। अगर आप लोग यदि अपना लोग इस अयोध्या की हिस्ट्री को देखें, अयोध्या बुरंजी यदि मिली जाए, इस दिन को लाने के लिए, इस राम मंदिर को पुनः स्थापना करने के लिए, ये दिन तो आने पर कारण राम मंदिर पुनः संस्थापन करने पर कारण हमारे जैसे 37 लाख लोगों का बलिदान हुआ है। हमारे डरे 37 लाख लोग और बलिदान हुए से 37 लाख की संख्या कम नहीं होती है, 37 लाख संख्या कम न है। 37 लाख लोगों ने 37 लाख लोग व्यक्ति हैं जो ये राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, ये राम मंदिर का निजर बलिदान दिसे सार्थक होगा। यदि हम 22 जनवरी होबलगिया राम मंदिर उद्घाटन यदि हम अंश ग्रहण करूँ बा उद्यापन करूँ तेतिया होले हेय 37 लाख लोग जेतिया शहीद होइसिल हेतर कारण हेतर श्रेष्ठ सफल हब। कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहने के उद्यापन कर पारे। अयोध्या में तो उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी, अयोध्या के दिन बहुत भीड़ हो, लेकिन मन में संकल्प करे तो एक न एक बार मुझको अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करने जरूर जाना है। मन के ऐसा संकल्प करो कितिया बन है कितिया अपनी राम मंदिर दर्शन कर जाओ तो निश्चय करो। जिस मंदिर के लिए 37 लाख लोगों ने बलिदान दिया, उस मंदिर में भगवान श्री राम जी को प्रणाम करने मैंने जरूर जाना है, ऐसा मन में संकल्प करें। जीतु मंदिर और बाबे 37 लाख लोगों को ले निजर शहादत दिसिल निजर बलिदान दिसिल हे मंदिर दर्शन करवार कारणे एबार न होय एबार जाबर कारणे अपने निजर भीतरते प्रतिज्ञाबद्ध हो। दूसरा द्वितीय तो श्री राम मंदिर का जब उद्बोधन होगा, श्री राम जी की विग्रह प्रतिष्ठा जब वहां पर होगी तो उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा विभिन्न चैनलों में, आप उसको दर्शन करें देखिए। जैतिया श्री राम मंदिर उद्घाटन होगो तब लाइव टेलीकास्ट होगो तैया अपनी विभिन्न चैनल माध्यम अपनी उपभोग दर्शन कर। और उस दिन अगर आप गरीब लोगों को वस्त्र बांट सके, भंडारा कर सके, तो ये भंडारा और वस्त्र वितरण श्री राम जन्मोत्सव के श्री राम मंदिर के उद्बोधन के उपलक्ष्य में होगा। यदि अपनी है दिन अखन श्री राम जन्मोत्सव उपलक्षे गरीब मानुसकलक अपनी यदि कपड़ वस्त्र आदि दान कर विचारे, गरीब मानुबिलाक खुआब विचारे, तेतिया अपनी एतो श्री रामचंद्र आशीर्वाद प्राप्त करिब पारिब। तीसरा तृतीय तो 22 जनवरी 2006 ये अनाउंस किया है
कम से कम 5 दीपक अपने घर के आगे 22 जनवरी को रात्रि में जरूर जलाएं। अमर हिंदू समाज एटू घोषणा कैसे जे अति कमे 5টা পয়সা কি আপনি হেদিনাখন নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত লগাও। বলে শ্রী রামচন্দ্র মহারাজ কি, শ্রী লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন কি, সীতা মাতা কি, শ্রী হনুমন্ত লাল কি, শ্রী অযোধ্যা ধাম কি। तो हमारे सामने एक उत्सव है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जी का जो भव्य मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, अद्वितीय मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन। अमर सन्मुख नतुन उत्सव आही आसे जो श्री रामचंद्र का मंदिर जो अयोध्या निर्माणाधीन हो मुकली हम। दूसरा उत्सव है, द्वितीय उत्सव भगवान श्री राम जी के अभिन्न प्रकाश विग्रह डिवाइन ग्रेस्ट भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का रामनवमी तिथि को उनका पूरे विश्व में जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। द्वितीय उत्सव श्री रामचंद्र निजर पार्क श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज 100 বছৰীয়া উৎসৱ পালন কৰা হ'ব ৰাম নৱমীৰ দিনাখন। দেখো সংসাৰ মে সন্ত বহুত হে, সংসাৰত সাধু লোক বহুত পোৱা যায়, আগে ভি বহুত সে সন্ত হ'গে, আগলৈকে পোৱা যাব। লেকিন ইয়ে জো ভক্তি বল তীৰ্থ গোস্বামী মহাৰাজ জী কো দৰ্শন কৰ ৰহে হে, এসা সন্ত দুনিয়া মে কবি কবি আতে হে। যার ফটো তো আপনি দেখিছে সন্ত সাধু লোক পোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গোটেই বিশ্বত ইমান শক্তিশালী সনাতন ধৰ্মৰ যে তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল সকলোৱে তেওঁক চকুৰ আগত বহুৱাই ৰাখিছিল। ইচিলিয়ে পুৰে বিশ্ব কা যিটো ভি বৈষ্ণৱ সমাজ হে उन्होंने उनको अपना सभापति बनाया था। এই কাৰণে গোটেই বিশ্বৰ মানুহবিলাকে তেওঁক বিশ্বৰ সভাপতি বনাইছিল। और एक दिन दो दिन नहीं हिज डिवाइन गेस्ट भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी 15 साल वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। এদিন দুদিন নহয় তেওঁ হিজ ডিভাইন গ্রেস শ্রীমদ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গোটেই 15 বছর ধরে বিশ্ব বৈষ্ণব রাজ সভার সভাপতিত্ব আসন বহি আছে। 93 বছর বয়স বয়সলৈকে এই পৃথিবীত আছিল। সবসে হেরানি কি বাত ইয়ে হ্যাঁ कि 93 साल में भी कोई उनकी एक छोटी सी गलती भी नहीं निकाल सकता है। आश्चर्य होवलगिया कथा एटु है जे 93 बसर वयस तो तेर कोनो धनर भूल कृति कोनो बिचारी पुआ नसी। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी तिथि में जन्म लेने वाले श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी पूर्ण मर्यादा से परिपूर्ण थे। যেদৰে মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ৰাম তেখেতৰ ৰাম নৱমীৰ দিনাখন আমাৰ ভক্তি বল তীৰ্থ গোস্বামী মহাৰাজে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক তেনেধৰণে শ্ৰী ৰাম সৰ্ব পুৰুষোত্তম ৰামৰ নিচিনা তেওঁৰ গুণ আছিল। তো আনে বালি যে ৰাম নৱমী হে 17 অপ্ৰেল কো উস দিন উনকা জন্মদিন উনকে জন্মস্থান গোৱালপাৰা মে আসাম মে মনায়া যায়গা। আহিবলগীয়া ৰাম নৱমীৰ দিনাখন তেওঁৰ নিজৰ জন্মস্থান গোৱালপাৰাত তেওঁৰ নিজৰ জন্ম শতাব্দী উদযাপন কৰা হ'ব। ইস মহান উৎসৱে ভাৰত কি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সে এই 200 সে জ্যাদা সন্ন্যাসী ব্ৰহ্মচাৰী ষ্টেজ পৰ এক সাথ বেঠে হৈ মিলেগে। এই মহান পৰ্বত ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰাও বহুত সাধুসন্ত লোক তাত গোট খাব তেওঁর জন্মদিবস পালন করবর কারণে। আমি তো আপ দেখ রে আপকে यहां पर स्टेज में 1 2 3 4 লাল কাপড়ে वाले बैठे वहां पर 200 से ज्यादा भारत के विभिन्न तीर्थों से विभिन्न राज्यों से आए हुए महात्मा स्टेज पर एक साथ आपको
उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा, उनको प्रणाम करने का मौका मिलेगा, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। हे जन्म पर्वत, हे जन्म पर्वत दिवखत अपना लोगे दुखत के अधिक हादु अंतर दर्शन करवा पाइबो, तेर आशीर्वाद लाभ करवा पाइबो, तेर सेवा करवा पाइबो, एतु अपनार सौभाग्यर विषय।